सुख ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र 25 अगस्त 2024 की रात्रि 12:59 पर अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले। शुक्र अगर कन्या राशि में गोचर करेंगे तो इसके नकारात्मक प्रभाव हमारी 12 राशि पर जरूर देखने को मिलेंगे। तो यह प्रभाव किस राशि के लिए किस प्रकार के होने वाले हैं और उन्हें किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी होगी, आज हम 12 राशियों में से कर्क, सिंह और कन्या राशि की चर्चा करेंगे। इन्हें इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और क्या कार्य करना इनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहन पराक्रम के तृतीय भाव पर शुक्र गोचर करने वाले। इस गोचर के परिणाम से आपको अपने जीवन में सुख सुविधाओं की कमी महसूस हो सकती है, साथ ही आपके अपने जीवन साथी के साथ भी तालमेल में कमी देखी जाएगी, और यह समस्या आपके बीच बातचीत में कमी के कारण हो सकती है। करियर मोर्चे पर भी कार्य का दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है इस समय अवधि में आपको अवांछित स्थानांतरण का भी सामना करना पड़े। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें अपने व्यावसायिक विचारों को क्रियान्वित करने में लंबी देरी का सामना करना पड़ सकता है, यह आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से गर्मी से संबंधित एलर्जी इस समय अवधि में आपको हो सकती है। यह सब आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी के कारण होगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर शुक्र गोचर करेंगे। इस गोचर काल की अवधि में आपको धन संबंधित समस्याओं, निजी जीवन में समस्याओं और अपने काम में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी कार्य का दबाव बढ़ेगा, आपके अनुसार आपके कार्य को प्रशंसा नहीं मिल पाएगी। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें भी अपने बिजनेस पार्टनर के समर्थन की कमी महसूस हो सकती है जो आपकी चिंता को बढ़ाएगा। रिश्तों की बात करें तो समझ में कमी के कारण आप दोनों के बीच किसी प्रकार की बहस हो सकती है जिसके चलते रिश्तों में खटास आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आंखों से संबंधित कोई समस्या इस समय अवधि में आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य पाठ करें। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए शुक्र द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आत्मा और शरीर के लग्न भाव पर शुक्र गोचर करेंगे। इस समय अवधि में आप अधिक धन अर्जित करने के बारे में सोच सकते हैं और अपने धन में बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। हालांकि इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहना होगा। करियर में भी नौकरी में आपको अवांछित बदलावों का सामना करना पड़ सकता है जो आपको पसंद नहीं आएगा। जिन जातकों का खुद का व्यापार है आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके कारण आपके व्यवसाय में कम लाभ होगा जो आपकी चिंता का कारण बनेगा। रिश्तों में आपको तालमेल की कमी और संचार की कमी महसूस होगी जिसके कारण आपके रिश्ते में मधुरता में भी कमी आने वाली है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको त्वचा से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है यह किसी प्रकार की एलर्जी हो। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। तो यह था शुक्र का अपनी नीच राशि कन्या राशि में होने वाला गोचर, जिससे कर्क, सिंह और कन्या राशि इस प्रकार प्रभावित होने वाली है। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।